नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ 24 में जाकिर खान जयपुर से। जैसे कि कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने भी ये फैसला दिया था, अगर देश के अंदर मीडिया वालों के साथ में अत्याचार होता है तो उस पे यानी तुरंत कार्रवाई होगी, और जो आदमी बदतमीजी से गलत तरीके से अगर मीडिया वाले के साथ में पेश आता है तो उस पे दंड भी दिया जाएगा और उस बंदे को 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया जाएगा। मगर कल एक चीज़ हमारे सामने आई जो कि यानी चोरी और सीनाजोरी यानी टोंक सवाई माधेपुर से खनन अवैध तरीके से बेचा जा रहा था, उसके ऊपर एक हमारे साथी मीडियाकर्मी ने वहां जाकर यानी उनसे बातचीत की, और जब बातचीत की तो उसको गाली गलौज और मारापीटी की। यानी अगर सोशल मीडिया पत्रकारों के साथ में अगर ऐसा दुरुपयोग होता है तो यह बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इंडिया का चौथा खंभा है मीडिया। हिंदुस्तान के अंदर चौथा खंभा मीडिया है जो हर चीज़ की खबर जनता के बीच पहुंचाता है, और जबकि राजस्थान के अंदर राज्य गृह मंत्री श्रीमान जवाहर सिंह बेडम ने ये निर्णय किया था कि इंडिया के अंदर चौथा खंभा मीडिया को माना जाता है और मीडिया वालों के लिए सुरक्षा दी जाएगी। मगर राजस्थान के अंदर अगर इस तरह मीडिया वालों के साथ में अत्याचार होता है तो यह बहुत दुर्भाग्य की बात है, और मैं श्रीमान राज्य गृहमंत्री जवाहर सिंह बेडम से भी इस चीज़ का अनुरोध करूंगा कि आपने राजस्थान पुलिस प्रशासन को भी ये सूचना दी थी कि मीडिया वालों का सहयोग किया जाए और मीडिया को राजस्थान के अंदर सुरक्षा दी जाए। मगर यहाँ पर यह दुरुपयोग की बात है कि टोंक सवाई माधेपुर के अंदर जब अवैध तरीके से खनन के बारे में मीडिया वाले पहुँचते हैं तो उसके साथ मारापीटी की जाती है और बदतमीजी से गाली गलौज की जाती है। ऐसा मीडिया वालों के साथ में नहीं होना चाहिए। राजस्थान सरकार को मीडिया के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो काम कर रहे हैं पत्रकार बंधु, उन सब के लिए सुरक्षा देनी चाहिए। बिना सुरक्षा के अगर काम होगा तो कल को मीडिया वाले अपने गलत कदम उठाने आगाज़ करेंगे, और इस चीज़ के लिए हो सकता है कि सारे मीडिया वाले मिलकर यानी धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं अगर मीडिया वालों के साथ में ऐसा अत्याचार होता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर चौथा खंभा मीडिया है जो हर चीज़ की सूचना जनता के बीच पहुंचाता है और हर तरह की खबरों को फैलाता है। अगर सोशल मीडिया वालों के साथ में ऐसा अत्याचार होगा देश के अंदर तो फिर सुरक्षा कहाँ मिली। मैं राज्य गृह मंत्री श्रीमान जवाहर सिंह बेडम से कहना चाहूँगा कि आपने भी ये घोषणा की थी कि मीडिया कर्मियों को सुरक्षा दी जाएगी, मगर अभी तक कोई भी मीडिया कर्मी को राजस्थान के अंदर कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई है। और मैं आप श्रीमान जवाहर सिंह बेडम से अनुरोध करूँगा कि मीडिया कर्मी जितने भी हैं, चौथा खंभा माना जाता है हिंदुस्तान के अंदर, उनके लिए सुरक्षा करवाई जाए जिससे कि मीडिया वाले खुल के काम कर सके और ईमानदारी से काम कर सके। मैं जाकिर खान जयपुर से, मेरे साथ कैमरामैन।